Hello everyone, I Dr. Nisha Mishra from Department of Biotechnology at KCMT is going to talk on nude mice today. Nude mice ke baare mein aaj hum baat karenge, jinhone bahut important role play kiya hai human ki diseases ko study karne mein. Sabse pehle, introduction. Nude mice pehle immunodeficient mice hain, jinhone human mein hone wale vibhin bimariyon ke study mein help kiya hai. Nude mice माइस का वो स्ट्रेन होता है जिसमें फॉक्स N1 जीन में म्यूटेशन की वजह से थाइमस ग्लैंड वर्क करना बंद कर देता है. थाइमस या तो बिल्कुल वर्क नहीं करता या तो फिर एब्सेंट होता है. ये माइस को न्यूड क्यों कहते हैं? इसको न्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्थ से ही हेयरलेस होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर हेयरलेस, नो हेयर्स आर प्रेजेंट इन दिस माइस. एथाइमिक माइस भी कहते हैं इनको. एथाइमिक मींस एब्सेंट, थाइमिक मींस थाइमस ग्लैंड. इनको सबसे पहले फ्लैनेगन ने रिपोर्ट किया था 1966 में, जिन्होंने उनको जो विजिबल ट्रेट है जिसमें हेयर्स दिखाई नहीं देते उस बेसिस पे इसका नाम रखा था न्यूड, जिसको एब्रिवेशन में NU जीन कहते हैं. इसमें एलील कॉम्बिनेशन को NU/NU की तरह से लिखते हैं. न्यूड माइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? इनमें थाइमस ग्लैंड नहीं होता, इसलिए ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं कर सकते. ये कई तरीके के एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं कर पाते, कई तरह की एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाते क्योंकि इसमें टी सेल नहीं होता है. इनको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेल्स की तरह यूज़ किया गया था कैंसर रिसर्च में. इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी होती है, फर्टिलिटी ना के बराबर होती है और इनके विब्र से बर्थ के टाइम एब्सेंट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है. इनके अंदर इम्यूनो डिफिशेंसी होती है, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये कैंसर के जीनोग्राफ्स हमारी बॉडी में ग्राफ्ट को एंटर करने ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन में दे सर्व एज अ वेरी गुड मॉडल. ये अच्छे मॉडल की तरफ वर्क करते हैं. दे ये बहुत अच्छे माइस का मॉडल है जिसमें हम कैंसर की स्टडी की जा चुकी है और आज भी इनको अच्छे मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी बहुत अच्छी है. तीन मॉडल्स दिए गए हैं न्यूड माइस के जनरेशन में, ऑर्थोट्रॉपिक मॉडल, हेटरोट्रॉपिक मॉडल और एक्सपेरिमेंटल मेटास्टैटिक मॉडल. ऑर्थोट्रॉपिक मॉडल वो है जिसमें माइक्रोसर्जिकल इम्प्लांटेशन करते हैं माइस में, मींस जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको प्लेस ऑफ ओरिजिन में ही इंजेक्ट करते हैं. ये मॉडल सॉलिड ट्यूमर्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है. इसके एडवांटेजेस हैं कि इसका माइक्रो एनवायरनमेंट ह्यूमन के माइक्रो एनवायरनमेंट जैसा सेम होता है, बट रिस्क है इसमें, इसमें सर्जरी करनी पड़ती है तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दूसरा मॉडल जो एथेमिक माइस को यूज़ किया गया सेल इंजेक्शन के लिए वो है हेटरोट्रॉपिक मॉडल. इसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, स्किन के नीचे वाली लेयर में इंजेक्ट करते हैं सॉलिड ट्यूमर्स जिनको हम जीनोग्राफ्ट कहते हैं. वो सब्सटेंस जो दूसरे एनिमल से लेकर दूसरे एनिमल में डाला जाता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज नोन एज जीनोग्राफ्ट. एडवांटेजेस इसके हैं कि बहुत सिंपल है और बहुत फास्ट वे है एंटी कैंसर एजेंट को स्टडी करने के लिए. डिसएडवांटेज है इसका कि पार्शियली आर्टिफिशियल है. थर्ड मॉडल है मेटास्टैटिक मॉडल. इसमें लेटरल वीन में इंजेक्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स को, डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्ट करते हैं या स्प्लीन में इंजेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट. मेटास्टेसिस टिश्यूज में होती है लाइक लिवर, लंग्स एक्सेट्रा. एडवांटेजेस इसके हैं कि इसमें टाइम इफेक्टिवनेस होता है, टाइम का कोई कंस्ट्रेन नहीं होता, इसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बट डिसएडवांटेज ये है कि ये मॉडल हम अर्ली स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस को स्टडी करने में यूज नहीं कर सकते. Among these models, subcutaneous heterotopic model
सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका इवेल्युएशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो हेयरलेसनेस कैरेक्टर है माइस का, वो ट्यूमर को ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। न्यूड माइस इस तरीके से कैंसर रिसर्च में बहुत ही अच्छे मॉडल की तरह उभरे हैं, जिनमें ट्यूमर सेल्स की डेवलपमेंट को आराम से और ईजिली देखा जा सकता है, बट इनकी लिमिटेशंस भी हैं। इनके अंदर टी सेल लिम्फोसाइट वर्किंग टी साइड लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो इनके अंदर नहीं होती है, बट बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर ह्यूमोरल एडाप्टिव इम्यून सिस्टम वर्क करता है और ये इननेट इम्यून सिस्टम होल लाइफ टाइम वर्क करता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है। बट इन शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद भी ये न्यूड माइस हमारे लिए बहुत यूजफुल मॉडल हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड इवन टुडे इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़ में। थैंक यू।